हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पी सी एस पर जस्ट गिव मी एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना कोई इश्यू तो नहीं है और एक बार जितने लोग जुड़ गए हैं प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाए एंड जस्ट गिव मी अनेट बस बस ओके okay, Okay. चलिए आज का टाइटल आप लोग देख ही सकते हैं आज के हमारे केस के बारे में दिया ही हुआ है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था कैसे कैसे हुआ था तो चलिए फॉलो कर लेते हैं 1996 का केस है छब्बीस साल पुराना केस है पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है देखते हैं बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं केस का नाम यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज गुरमीत सिंह बेंच की जहां तक बात कर सकते हैं तो जस्टिस ए एस आनंद जी थे जजमेंट की डेट की बात करें तो सोलह जनवरी 1996 1996 का जजमेंट है है। ये कहानी 16, 16 जनवरी की अब, 14 जो कि आपका आपका द्वारा करा जाता है, है? ठीक ये आपका जो क्राइम होता है ना इसके तहत वो आपका स्पेशल कोर्ट्स के तहत डील करा जाता है ठीक है उसके बाद इस डायरेक्टेड फैक्चुअली <laughs> तो क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई थी फैक्ट्स क्या थे किस घटनाक्रम में घटनाएं घटित हुई थी यहाँ पर देखो फैक्ट्स की बात कर लेते हैं द प्रोजिक्यूटर वॉज एन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट इन देंथ ग्रेड यहां पर जो विक्टिम थी जो है जो पीड़िता थी वो एक जो है एलिमेंट्री स्कूल की स्टूडेंट थी जो कि दसवीं कक्षा में पढ़ रही थी वो वॉज अंडर द एज ऑफ 16 इयर्स ठीक है 16 साल से कम की उम्र की बालिका थी यहाँ पर 30 मार्च 1984 को क्या होता है शी वॉज ट्रेवलिंग टू सी हर मैटर्नल अंकल When a 25 year old six teenager was driving a car, यहाँ पर क्या हुआ 30 मार्च 1984 को ये ट्रैवल करके जा रही थी अपने मामा के यहाँ और रास्ते में क्या होता है यहाँ पर एक पच्चीस साल के जो है एक व्यक्ति होते हैं जो कि अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं अब यहाँ पर गुरमीत सिंह जगजीत सिंह बाबा एंड रंजीत सिंह वर ऑल फाउंड इन दिस ऑटोमोबाइल इस गाड़ी में गुरमीत सिंह थे जगजीत सिंह थे और रणजीत सिंह थे द ऑटोमोबिल केम टू अ स्टॉप नेक्स्ट टू द प्रोजीक्यूटर और ये गाड़ी आ कर के यहाँ पर जो हमारी पीड़िता है जो विक्ट है यहाँ पर जो बालिका है उन्हीं के पास आ कर के रुकती है ठीक है द प्रोजीक्यूटर्स वॉज देन शोड इनसाइड द ऑटोमोबाइल उथ शट अब यहाँ पर क्या होता है गाड़ी ले जाकर के वो बिल्कुल उनके बगल में रोक देते हैं एंड वहां परीड़ता को जो है उसकी गाड़ी से निकाला जाता है और अपनी गाड़ी में इसको भर लेते हैं और जगजीत सिंह यहाँ पर जो हमारे दूसरे नंबर के आरोपी हैं उन्होंने एक तौलिया के इस्तेमाल से यहाँ पर पीड़िता का मुंह बंद कर दिया था जिससे कि वो कोई आवाज़ ना निकाल पाए वो कुछ बोल ना पाए गुरमीत सिंह ऑल्सो गोव द कार क्लोज टू रंजीत सिंह ट्यूबवेल वाइल ट्रिंग द प्रोजीक्यूटर दैट ही वुड किल हर अब यहाँ पर पीड़िता को डरा धमका करके कि उनको मार दिया जाएगा उनको डरा धमका करके ले जाते हैं रंजीत सिंह के ट्यूबवेल पर आफ्टर दैट ड्राइवर अबैंड कंपेलिंग द प्रोजीक्यूटर टू कंज्यूम लेकर अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जो गाड़ी चला रहे होते हैं वो गाड़ी लेकर के चले जाते हैं और यहाँ पर ये लोग फंस जाते हैं ठीक है जिसकी वजह से इनको मजबूर कर दिया जाता है कि यहाँ पर जो अक्यूज़ हैं वो तो लेकर का सेवन करते ही हैं और पीड़िता को भी ज़बरदस्ती पिलाने के प्रयास किया जाता है ठीक है उसके बाद आगे देखिए आगे क्या होता है गुरमीत सिंह स्ट्रिप्ट हर ऑफ क्लोथिंग आफ्टर शी ट्रैंक और जैसे ही ड्रिंक्स uh, ली इन लोगों ने गुरमीत सिंह ने स्टार्ट कर दिया उनके कपड़े उतारना शी वॉज देन फोर्स टू लाई ऑन अ बेड इन द कोठा एज अ फ्रेंड्स प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम आउटसाइडर्स बाहर से इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था और देख रहे थे कहीं कोई आ तो नहीं रहा है और उनको फोर्स कर दिया गया था ज़बरदस्ती उनको लिटा दिया गया था एक बेड पर उसके बाद देन असोल्टेड हर वंस मोर वेल्थिंग टू मर्डर हर उसके बाद उनको डराया गया उनको डराया इस बात से गया कि अभी उनकी हत्या कर दी जाएगी उनको मार डाला जाएगा इस बात के जरिए उनको मजबूर किया गया घर आकर के शी टोल्ड हर फादर द फुल स्टोरी शी केम होम लेटर दैट नाइट अब जब वो पीड़िता वापस अपने घर आती हैं तो आकर उन्होंने सारी बात अपने पिताजी को बताई फादर देन गॉट इन टच विद द टलेजेस सरपंच फिर इनके पिताजी ने गांव के सरपंच से बात करी पूरा वाक्य उनके सामने बताया सारी बातें उनके सामने रखी लेटर अ पंचायत वॉज कॉल्ड एंड एफर्ट्स वर मेड टू रीच अ कम्प्रोमाइज़ बिटवीन द साइड्स उसके बाद जब पंचायत बैठी तो यहां पर ये कोशिश करी गई ये प्रयास किया गया कि दोनों लोगों के बीच में दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई समझौता हो सके किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ हो सके मतलब वो इसको एज अ क्राइम ट्वीट नहीं कर रहे थे आप और रेप का मामला है आप मतलब किसी को आप उठा करके ले जा रहे हैं तो वो एक अपहरण ही ठीक है, है तो अब दक्षिण और यहाँ पर बलात्कार भी हुआ तो उसको यहाँ पर क्राइम नहीं माना जा रहा था अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा रहा था यहाँ पर समझौते की मांग करी जा रही थी और उसके लिए एफोर्ट्स करे जा रहे थे कोई मदद ना मिलने पर पीड़िता और उसके पिता ने पड़ोस के थाने में शिकायत दर्ज कराने का फ़ैसला किया जब इनको जो है पंचायत के द्वारा सरपंच के द्वारा कोई मदद नहीं मिलती है तो ये अपने आप में फैसला करते हैं सोचते हैं कि इनको जा करके यहाँ पर शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए पुलिस के पास इसके बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया और डॉक्टर सुखविंदर कौर को दिखाया ठीक है इसके बाद इनको चेकअप के लिए ले जाते हैं डॉक्टर सुखविंदर जी यहाँ पर इनको देखते हैं जाँच के दौरान उसे पता चला कि अभियोजिका के पास एक Uh, मतलब यहाँ पर जो प्लॉजिक्यूट्रिक्स यहाँ पर जो पीड़ित है उनका जो बेचाइना की जो इनर लाइनिंग होती है जिसको हाइमिंग कहते हैं वो टूट चुकी है और जिसमें बहुत कम जो है आप कह सकते हैं कि ब्लीडिंग भी है थोड़ी थोड़ी क्षेत्र और थोड़ी स्वेलिंग भी थी और यहाँ पर जो है एरिया वो जो होता है वजाइना वाला जो प्राइवेट पार्ट होता है वो स्वेल भी हो गया है और उसमें चोट भी पहुंचाई गई है यहाँ पर जो विक्टिम है जो बालिका है सोलह वर्ष की उसको यहाँ पर प्राइवेट पार्ट में चोट भी पहुंचाई गई है ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन में सामने आता है उसके अनुसार घाव के कारणों में एक अभियोजिका के साथ यौन संबंध हो सकता है अब यहाँ पर अगर तो डॉक्टर की बात मानी जाए तो जिस तरह से यहाँ पर विक्टिम के साथ यानी कि बालिका के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है शारीरिक एक दुष्कर्म हुआ है चोट उसी की वजह से आई है उसके बाद नैदानिक विश्लेषण के लिए यानी कि क्लिनिकल एनालिसिस के लिए अभियोजिका के सलवार के नमूने और जो इनके डीएनए एन ए सैम्पल्स हैं जैसे कि इनकी सलवार के सैंपल्स इनकी वजाइना से सैंपल्स और वन वायल ऑफर प्यूबिक हेयर वर्स इनको जो है भेजा जाता है फॉरेंसिक जांच के लिए उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है अब यहाँ पर देखते हैं कि लीगल इश्यूज़ क्या फ्रेम हुए हैं वेदर द प्रोजीक्यूशन स्टोरी स्टैंड फोर्टिफाइड बाई एनी कोजेंट और रिलायबल एविडेंस और नॉट अब यहाँ पर प्रोजिक्यूशन ने जो पूरी स्टोरी बताई है जो पूरा इन्होंने बताया है पूरा चरण बताया है कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हुई हैं तो यहाँ पर किसी ठोस या विश्वसनीय साक्ष से पुष्टि होती है कि नहीं होती है कि ये जो बोल रहे हैं ये बात सही बोल रहे हैं क्या कोई चीज़ है ऐसे जिससे ये बात सिद्ध हो जाए जैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर सही बात बोली जा रही है एकदम सही चीज़ रखी जा रही है उसके बाद क्या साक्ष्य अधिनियम अठारह के अनुसार अदालत में लाए जाने वाले साक्ष्य की पुष्टि करने की कोई आवश्यकता है उसके अलावा जो हमारे प्रोविजन्स दिए हुए हैं जो प्रावधान दिए हुए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अठारह में क्या हमें हाँ उसके तहत कोई सबूत या साक्ष्य यहां पर पेश करने की आवश्यकता है या फिर नहीं है चलिए आगे देख लेते हैं ट्रायल कोर्ट का फैसला देखते हैं सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर क्या फैसला दिया है विचारण न्यायालय यानी कि ट्रायल कोर्ट यानी कि सबसे पहले केस जहां पर गया था जिस कोर्ट में गया था उसकी बात कर लेते हैं ट्रायल कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना अभियुक्त के पक्ष में एक गलत निर्णय पारित किया और अभियुक्त को बरी कर दिया यहाँ पर क्या हुआ था यहाँ पर जो अक्यूज है जो आरोपी है जिन्होंने एबडक्शन और रेप जैसा क्राइम करा है इनको यहाँ पर बरी कर दिया जाता है इनको यहाँ पर यह बोल दिया जाता है कि इनके अगेंस्ट हमारे पास कोई सबूत नहीं है इसलिए इनको जाने दिया जाए इनको छोड़ दिया जाए ये बात अपने आप में गलत है उसके बाद देखिए हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला उच्च न्यायालय में न्यायालय में दोनों पक्षों द्वारा अभिवचन किए गए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि का आदेश दिया और अभियुक्त के विरुद्ध दंड पारित किया यानी कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला कि गलत बात है यहाँ पर एबडक्शन हुआ है और यहाँ पर रेप जैसा हाँ भयानक क्राइम हुआ है अपराध हुआ है यहाँ पर सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ना चाहिए जो सजा मिलनी है वो यहाँ पर मिलनी चाहिए तो यहाँ पर कन्विक्शन करा गया यानी कि दो करी गई बोला गया कि यहाँ पर आरोपी ने ऐसा काम करा है इस प्रकार का अपराध करा हुआ है आरोपी ने तो उनको उसके लिए सजा मिलनी चाहिए उचित सजा मिलनी चाहिए ठीक है क्या यहाँ तक तो क्लियर है आपको एक बार प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दीजिए उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लेते हैं न्यायाधीश के अनुसार 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत बलात्कार के हर मामले में पुष्टि करने वाले साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है अगर हम बात करें कानून की तो जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कहता है कि अगर कोई मार्टर है रेप से जुड़ा हुआ है तो वहां पर बहुत ज्यादा सबूतों की मांग करी नहीं जाती है अगर कोई व्यक्ति मार कर करके कह रही है और चीजें जो है लाइन में फॉल कर रही है मतलब की समझ में आ रहा है कि गलत हुआ है अपराध तो हुआ है तो वहां पर किसी और अधिक की जरूरत नहीं पड़ती है अधिक से अधिक आपकी डीएनए सैंपलिंग होती है और मेडिकल जांच हो जाती है ठीक है उसके बाद एक यौन अपराध अभियोजक की तुलना एक सह अपराधी से नहीं की जा सकती है उसे गलत काम करने वाले का शिकार बने रहना चाहिए इसका मतलब यह है कि यहाँ पर किसी के साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते एक कंप्लेस से कम्प्लिस कौन होता है कम्प्लिस वो व्यक्ति होता है जो कोई अपराध करने में यहाँ पर साथ देता है ठीक है लेकिन जिसके साथ क्राइम हुआ है और तो देखो अकेले तो नहीं हो सकता है दो पार्टीज होती हैं लेकिन एक जो है दुष्कर्म करता है और एक यहाँ पर पीड़ित होती है लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर दो पार्टी है तो यहाँ पर एक दूसरे की मदद कर रहा था क्योंकि सहमति नहीं थी सहमति बच्चे की नहीं थी कैसे मैं कह रही हूं नहीं थी क्योंकि आपका जो भारतीय दंड संहिता है वही बोलता है है कि कंसेंट के लिए एज होनी चाहिए वर्ष वर्ष अगर से कम तो सहमति भी सहमति नहीं है और जब यहाँ पर पता चल रहा है मेडिकल जांच में आ रहा है कि कितनी भयावह चोट लगी है बच्ची को और उसके प्राइवेट पार्ट में किस तरह की सूजन है किस तरह की चोट है जो कि उसके साथ बलात्कार करने की वजह से आई है तो अपने आप में गंभीर मामला है शी शुड कॉन्टिन्यू टू बी द रॉन्ग डुअर्स विक्टिम शी शुड नॉट कॉन्टिन्यू टू बी द रॉन्ग डुअर्स विक्टिम यहां पर जो है इनको जो है राहत मिलनी चाहिए इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए

ज एक्चुअल में क्या हुआ है ये तो दो ही लोगों को पता है एक तो पीड़िता को पता है और दूसरा किसको पता है जिसने उसके साथ अपराध किया है जिसने उसके साथ गलत काम करा है है लोगों को पता है कि एक्चुअल में चीजें क्या हुई है तो अगर पीड़िता बयान देना चाहती है गवाही देना चाहती है बिल्कुल वो दे सकती है कॉम्पिटेंट है क्वालिफाइड है सेक्शन वन हंड्रेड एटीन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत हर एविडेंस मस्ट दस वैलिडिटी उनका जो एविडेंस है उसकी भी अपनी वैलिडिटी होनी चाहिए बट वाइल कलेक्टिंग हर प्रूफ मोर केयर एंड प्रूडेंस मस्ट भी एक साइड लेकिन जब इनसे कोई भी सबूत की मांग कर जा रही है ना किसी प्रूफ की मांग करी जा रही है तो यहां पर थोड़ा सा केयर और प्रूडेंस रखना चाहिए मतलब थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए थोड़ा सा यहां पर प्यार से काम करना चाहिए ताकि तकलीफ में और तकलीफ ना हो जाएगी इसके आगे देखिए अब जहां तक संभव हो बलात्कार के मामलों की अध्यक्षता महिला न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए ये आपको कहाँ दिया, दिया हुआ है ये आपका सी आर पी सी में दिया हुआ इसके लिए प्रावधान दिया हुआ है। इसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है ताकि पीड़िता के आराम को सुनिश्चित किया जा सके यानी कि ताकि यहाँ पर देखो पीड़िता के साथ ऑलरेडी इतना गलत हो चुका है वो पीड़ित है उसके साथ बहुत ही गलत चीज़ हुई शारीरिक दुष्कर्म हुआ है जो कि कोई भी व्यक्ति रिजर्व नहीं करता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो ताकि इसके तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ ना बढ़े इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें सतर्क रहना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पर एम्पेटिक होना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पर संवेदनशील होना चाहिए ताकि यहां पर महिला न्यायाधीशी अगर इसका अध्यक्षता करें तो यहां पर अच्छा होगा इसके अतिरिक्त यह अदालतों के लिए निर्णय देना और अपने कार्यों को ठीक से करना संभव बनाएगा और इसके साथ साथ थोड़ी हमारे लिए चीजें भी स्मूथ हो जाएंगी जजमेंट देना भी आसान हो जाएगा क्राइम की रिपोर्टिंग भी आसान हो जाएगी क्योंकि जब कोई एक विक्टिम होती है मान लीजिए अगर फीमेल होती है तो वो समाज के डर से बाहर नहीं आ पाती है वो शिकायत दर्ज भी नहीं करवा पाती है उन घुटघु के जीने लगती है अगर यहाँ पर इस चीज को बढ़ावा दिया जाए में चीजें ऐसे होने लगे प्रावधान लेकिन हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं है वेमेन जजेस की ठीक है <coughs> अगर चीजें संतुलित हो जाए सुचारू रूप से हो जाए तो शायद हम चीजों को सुरक्षित बना सकते हैं समाज के माहौल को सुरक्षित कर सकते हैं जितना खराब हो गया है उतना खराब होने से बचाया जा सकता है पैनल ने कहा कि भारतीय अदालतों को अतिरिक्त सबूत तलाशने के अपने विकल्प के बारे में पता होना चाहिए अगर वे अभियोजन पक्ष की गवाही प्रोजिक्यूशन की बात हो रही हाँ पर, है यहाँ पर ठीक है तथ्य और परिस्थितियों पर भरोसा नहीं करने का फैसला करते हैं जो सबूत के रूप में अदालतों द्वारा आवश्यक है यहाँ पर पैनल ने पैनल कौन से पैनल ने जज के पैनल ने

स तो यहाँ पर जो है और एडिशनल एविडेंस की मांग कर सकते हैं कहने का ये मतलब है ठीक है आइए और देखते हैं आगे देखते हैं आगे क्या है उसके बाद पैनल ने बोला दैट द इंडियन कोर्ट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ देर ऑप्शन टू एक्सप्लोर फॉर एडिशनल एविडेंस इफ़ दे डिसाइड नॉट टू रिलाई ऑन द प्रोजीटर सिस्टम मनी फैक्ट्स एंड सिचुएशंस दैट आर रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट्स इज एविडेंस अच्छा ठीक है ये तो हमने डिस्कस कर लिया वही चीज़ रिपीट हो गई है बट यहाँ पर कहने का यही मतलब है कि अगर कोर्ट्स को भरोसा नहीं हो रहा है कोर्ट्स को ये लग रहा है कि हमें यहाँ पर पीड़िता के बयान पर भरोसा नहीं करना चाहिए तो वो बिल्कुल उनसे जो है और सबूतों की मांग कर सकते हैं ठीक है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय को आईपीसी अठारह की धारा तीन के तहत अभियुक्तों को दोषी ठहराने में विफल रहने के लिए गलत माना गया था यहाँ पर दो हाई कोर्ट ने ये बोला था कि बिल्कुल यहाँ पर ये गलत कर रहे हैं सजा मिलनी चाहिए लेकिन कौन कौन सेक्शन के तहत मिलनी चाहिए इसकी बात नहीं करी गई थी तो ये बात सुप्रीम कोर्ट बोल रही है यहाँ पर आईपीसी इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता था, अठारह सौ साठ की धारा तीन सौ पचहत्तर जो कि आपके रेप के बारे में बताती है ठीक है और तीन सौ तो छिहत्तर जो है वो रेप की पनिशमेंट के बारे में बताती है तो यहाँ पर अगर अभियुक्तों को दोषी ठहराने में विफल रहे हैं तो इसके लिए गलत माना जाएगा जिसमें यह अनिवार्य था कि अभियुक्तों को उपलब्ध कराए गए प्रासंगिक सामग्री साक्ष्य समीक्षा के बाद दोषी पाया जाए और यहाँ पर इस जो है इस प्रोविजन में ये मांगा गया है ये एक्चुअल में डिमांड है यहाँ पर कि अगर कोई ऐसा क्राइम रेज हो रहा है कोई ऐसा क्वेश्चन रेज हो रहा है किसी की भी तरफ तो वहां पर सारी चीजों को जाने बिना समझे जस्टिस करना न्याय करना ना कि अन्याय करना आई होप यहाँ तक क्लियर है गुड इवनिंग कनक जी वेरी गुड इवनिंग बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी क्लास देखी होती है रोज शाम को लाइव एट फोर पी एम मंडे टू सैटरडे तो आप लोग प्लीज टाइम से आजाइक करिए और आना मत

कर सकते हैं ठीक है अब एक बार मैं आपको अपने बैचेस दिखा देती हूं जो गिरीश के बैचेस आ गए हैं आप में से जो भी लोग एनरोल करना चाहें कर सकते हैं आपको खोलना है अपना ब्राउजर और अपना ब्राउजर खोल के आपको जाना है गूगल पे ठीक है आप जैसे ही गूगल पे जाएंगे यहाँ पर आपको सर्च करना है rdart 247 ठीक है rdart 247 आपने सर्च करा पहला लिंक आ जाएगा आपको पहला ही लिंक खोलना होगा आप यहाँ पर जाएंगे ऑल कोर्सेज में ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे यूपीएससी में और यूपीएससी में आप जाएंगे स्टेट पीएससी में ठीक है बिकॉज आपका जो जुडिशरी का बैच होता है वो आपका स्टेट जुडिशरी वाइज होता है क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना जुडिशरी का एग्जाम होता है यहाँ से आपको करना है व्यू ऑल और व्यू ऑल करके पहले तो यहाँ पर देख लो अगर तो कोई पी की तैयारी कर रहा है तो बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए पाँच दिसंबर से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है जिसका फाउंडेशन प्रो बैच है हमारे पास मतलब प्री एंड मीन्स प्लस सी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं टाइमिंग होगी आपके शाम को तीन बजे से लेकर के शाम को साढ़े पाँच बजे तक उसके अलावा आपका हरियाणा का बैच है उत्तराखंड का है यूपी का है बिहार का है हरियाणा का है एमपी का है तो यहाँ पर सारे आपके बारह हज़ार के हैं एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बैच आपको कितने का पड़ेगा पाँच दिसंबर से आपके बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं तो फटाफट से आप लोग एनरोल कर सकते हैं देखिए हज़ार घंटे प्लस की लाइव क्लास हो जाएगी टू आपको ई बुक्स मिलने वाली हैं वन आपको स्टेट की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है टाइम

Y625 इसको आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको जो बैच बारह हजार का दिख रहा था वो बैच आपके लिए हो जाएगा मात्र सत्ताईस सौ रुपए का लेकिन आप इतने भी पे मत करिएगा आप करिएगा पे तेईस सौ रुपए कैसे आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा वहां पर आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने पे थ्री नाँग नाँग फ्री क्वेंस मिल जाते हैं उनको यूज करके चार आपके और कम हो जाएंगे तो इससे ज़्यादा पैसे मत देना ठीक है एक बार मैंने आपको ये बता दिया और आपको सारे ही स्टेट्स के बैचेस इतने के ही मिलने वाले हैं खैर मैं आपको जुडिशरी बताने वाली तो चलो जुडिश्री पे लेके चलती हूँ यूपीएससी में जाना है स्टेट पीएससी में जाना है यहाँ से करना है व्यू ऑल अब जब यहाँ से व्यू ऑल कर लिया यहाँ पर देख लो आप पीसीएस सी से जुडिश्री का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसमें प्री और मेन्स की तैयारी होने वाली है आपकी और बिहार जुडिशरी का एक अलग से बैच है बिहार जुडिशरी का अलग से बैच क्यों है क्योंकि आपके अदर स्टेट्स के भी बैचेस आने वाले हैं जैसे कि आपका लॉन्च हो जाएगा बहुत जल्दी यूपी हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा एम पी हो जाएगा और बिहार तो हो ही गया है झारखंड हो जाएगा आ, राजस्थान हो जाएगा तो आपके दिल्ली हो जाएगा जितने आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है सबके बैचेस यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं तो जो आपके टारगेट बैच होंगे जो स्टेट वाइज होंगे उसमें आपको खाली स्टेट पर फोकस रखा जाएगा लेकिन कंप्लीट फाउंडेशन बैच में आपको सभी स्टेट्स के लॉज पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा जिसका एग्जाम पहले आ जाएगा उसके लॉज हम पहले करवा देंगे है ना कौन सा लॉस लोकल लॉस ठीक है अब यहाँ पर आप देखिए तेरह सौ प्लस घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलने वाली है आपको प्री प्लस मेंस के लिए बैच है आपका टाइमिंग होगी सुबह सात से बज के सात बजे से, से लेकर के नौ बजे तक आपको टोटल तेरह सौ प्लस घंटे की क्लासेस मिलेंगी इसमें आपको लॉ भी मिलेगा और जी भी मिलेगी सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर यहाँ पर वैलिडिटी आपकी अट्ठारह महीने की है ठीक है उसके बाद चौदह दिसंबर से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होगी यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी देख सकते हैं हम कि लोकल लॉज स्टेट्स के मिल जाएंगे आपको इक्कीस प्लस लॉ सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको जजमेंट राइटिंग की क्लासेस होंगी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की क्लास होंगी इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर्स होंगे हिंदी लैंग्वेज के लेक्चर्स होंगे आंसर राइटिंग क्लासेस होंगी पर्सनलाइज गाइडेंस सेशन होंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको हर क्लास के बाद तीस मिनट का डाउट क्लियरिंग सेशन मिलने वाला है ठीक है फिक्स शेड्यूल होगा स्टडी प्लान है हमारा जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर करवाए गए हैं वो दिए हुए हैं उसके बाद जो फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं उनका इंट्रोडक्शन और उनके डेमो लेक्चर्स यहाँ

अप्लाई कर देना है कोड को याद रखिएगा कोड इज वाई सिक्स टू फाइव ठीक है तो चलिए चलिएगा इस मिलना होगा शाम को छः बजे अट ट्वेंटी फोर सेवन आई ए एस के चैनल पर ठीक है छः बजे नहीं एक्चुअली छः पंद्रह पर ठीक है एट सिक्स फिफ्टीन अब से हमारी क्लास सिक्स फिफ्टीन पी एम पर हुआ करेगी आई ए एस के प्लेटफॉर्म पर ठीक है तो वहाँ पर मिलेंगे और शाम को पाँच बजे आप लोग आना ना भूलें क्योंकि आपका होने वाला है मीट द टीम का इवेंट तो चलो गाइस टेक केयर बाय बाय ऑल द वेरी बेस्ट